हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने जो इंफोसिस का इंटरव्यू क्रैक किया है, आप कह सकते हैं क्लियर किया है। सबसे पहले इसका रिटर्न क्लियर किया, उसके बाद इंफोसिस का इंटरव्यू क्लियर किया, उसके बाद मेरे को एक सर्वे मेल आई है, उसके बाद मुझे आज के दिन ऑफर लेटर जनरेट हुआ है। तो आपको ये सारी प्रोसेस समझने के लिए कि कितना टाइम वो लोग ले रहे हैं सर्वे मेल के लिए और या ऑफर लेटर के लिए, जॉइनिंग डेट क्या है मेरी, तो प्लीज़ एंड तक देखना ताकि आपको सही से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए। सो पहले तो मैंने आपको बता दूँ सबसे पहले कि मैंने एचसीएल का भी ऑफर लेटर ले रखा है, जो कि 6 जैन को मेरी जॉइनिंग डेट थी, पर तब मेरे को ज्वाइन नहीं करना था, इसलिए फिर मैंने सोचा आप घर पे हैं तो अब इन्फोसिस में ट्राई करते हैं, फिर इन्फोसिस में भी कर दिया। अब ये देखो कि हमें मैंने इन्फोसिस का जो रिटर्न क्लियर किया है वो सिर्फ 3 दिन मैंने मेहनत करी है, उसमें ही मैंने उसका रिटर्न क्लियर कर दिया है, और इंटरव्यू के लिए भी सिर्फ मैंने 2 दिन प्रिपेयर किया और फिर मैंने इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया। तो ये है, जैसे कि आप लोग मेरा थंबनेल में ऑफर लेटर का देख रहे होंगे, ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्चुअल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग करके इसका जो सब्जेक्ट आया था, ठीक है। तो आज मेरे को ये मेल आई है, तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया था, सबसे पहले उन्होंने किया था 5 जून को, लेकिन किसी कारणवश वो 5 जून को नहीं हो पाया। फिर मैंने उनको मेल किया कि मतलब मेरा रिशेड्यूल करो, क्योंकि क्या हुआ था कि वो जो एचआर थे वो आए और मुझे उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो मैंने बोला कि आई कुड नॉट हियर यू, फिर वो चले गए। उनके जाने के बाद फिर वो आए ही नहीं, वापस ही नहीं आए। फिर उसके बाद मैंने इंतज़ार किया, बार बार ज्वाइन की मीटिंग, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने क्या किया, शाम को मैंने मेल डाल दी, मैंने कहा कि मेरा इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं है, तो फिर किस बेसिस पे आप लोग सेलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो फिर मेरे पास उनका रिप्लाई आया है कि आपका शेड्यूल हो गया है 10 जून को, ठीक है। फिर उन्होंने मेरा जो है 10 जून को कर दिया। 10 जून को करने के बाद 10 जून को मेरा इंटरव्यू हुआ सेम टाइमिंग पर, 5 जून को भी सुबह 9 बजे से था और 10 जून को भी सुबह 9 बजे से ही था। तो ये हो गया हमारा, और इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन पूछे थे मैंने उसी डेट को जो है इस पे यूट्यूब पे अपने डाल दिया है। आप लोग जा करके इन्फोसिस के उसमें देख लेना कि इन्फोसिस से रिलेटेड जो जो मैंने वीडियो बनाई है, तो उसमें इन्फोसिस के क्वेश्चंस, इन्फोसिस के इंटरव्यू के क्वेश्चंस, रिटर्न का कुछ और एचसीएल के भी क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, तो आप लोग जा करके चेक कर लेना प्लेलिस्ट में, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, वहां से आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो सर्वे मेल देखो मेरे को आई नहीं थी पहले, तो जब इन्होंने थर्सडे को मेरा इंटरव्यू लिया, फिर मैंने कहा यार थर्सडे तक वेट कर लिया, थर्सडे से थर्सडे हो गया, चलो मैं इन्हें मेल करके पूछती हूँ क्या हुआ। तो फिर मैंने लिखा कि मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ, सेलेक्ट हूँ या नहीं हूँ, तो उनका रिप्लाई आया कि यू आर थैंक यू फॉर इंटरव्यू करके, नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि सर्वे मेल का था वो, मैं दिखाना चाहूँगी आपको। चलो मतलब सर्वे था, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद आज ये देखो ये ऑफर लेटर मेरे पास आया है, जिसमें ना ये देखो 3-4 PDF हैं, इसमें आपको दिख जाएगा, एक है आपका नॉन कम्पीट एग्रीमेंट है, एक है आपका इंफॉर्मेशन की शीट है, एक है आपका सर्विस एग्रीमेंट है, एक है आपका ऑफर लेटर, और एक है आपका इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग सर्विस एग्रीमेंट PDF। ये मेरे पास ये 5ों PDF अटैच होकर के आई हैं, और ये देखो आवर लॉन्च पैड टीम शुड सून बी गेटिंग टच विद यू रिगार्डिंग द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, रिगार्डिंग एनी कंसर्न दैट माइट क्रॉप अप ड्यूरिंग सच पीरियड, फील फ्री टू गेट इन टच विद अस ओवर कॉल एंड फॉर चेंजेस इन योर एक्स प्लीज मेल अस एट दिस दिस दिस। इन लोगों ने ये सब आज मेरे को सेंड किया है, तो
तो गाइस बहुत खुशी हुई कि दोबारा सेलेक्ट हो गए कहीं। तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके, क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पुटअप किए थे वो आपको देखना है। और मेरी वेबसाइट है, classstudies.com, ठीक है, classstudies.com, तो मैंने वहां पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रखा है उसके आंसर के साथ। एचसीएल का तो कर रखा है मैंने एक्सप्लेन, इन्फोसिस का रह गया है, अगर आप उसको भी एक्सप्लेनेशन में चाहते हो। क्वेश्चंस तो मैंने लिख रखे हैं लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन सिर्फ एचसीएल के क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको इन्फोसिस के क्वेश्चन के आंसर भी चाहिए तो आप लोग मेरे को यहाँ पे कमेंट करके बता दो। और अगर आपको इन्फोसिस या एचसीएल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो गाइस थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।